ये है हमारा आज का ठिकाना। तो वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे मेरा दिमाग तो ऑलरेडी कल से बहुत ख़राब है, बट मैंने ब्लॉग में नहीं लिया क्योंकि थोड़ा हमें फटफट निकलना, तो आपको दिखा। तो ये देखिए, आप देख रहे हो ये पूरी ट्रिप। जय श्री राम। चलो आप लोगों से मिलवा देती हूँ, अमित मिलवा दूँ, मिलवा देती हूँ। हम लोगों ने दर्शन कर लिया है एंड हमारे साथ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट भी हुआ है कि हमारी यहाँ चप्पल चोरी हो गई है। अच्छा है, मंदिर से चप्पल चोरी हुई। हमारा वो क्या कहते हैं, क्या लेके गए, बोलते पनौती लेके। अच्छी बात है। एंड हमने दर्शन कर लिए, जाइए के माध्यम से आप भी दर्शन कीजिए और दर्शन करके उनका आशीर्वाद लीजिए। फिलहाल हम लोग, आप दर्शन करके आइए, फिर हम मिलते हैं। आज तक मीन 4 महीने हो गए हमें, हर बार हम इधर ही आ जाते हैं। गेम रूम एंड अमित। हाँ पहले दे दिया। हाँ ये तो है। एंड अभी फटफट जल्दी से, क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया है। सो गाइस, रास्ते में मिलते हैं, अभी चलते हैं। अभी हम उन लोग होटल से निकले थे, निकलते सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस, क्या बोलते हैं, दूरी तय की, उसके बाद ही गाड़ी का ऑयल चेंज होने लगा है। सेकंड ब्रेक, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पेट पूजा, फिर काम में दूजा। फिर काम दूजा। एंड भैया मेरे पास चटनी डालो, सिर्फ थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, इसका वाला तुमको बता। नहीं नहीं, वैसे ही डालो जैसा डालो। चम्मच नहीं दे भैया। अभी मैं खा लेती हूँ क्योंकि मेरी भी आलू की टिक्की आ गई। सो खाते मिलते हैं आप लोगों। अभी हम लोग रास्ते में निकल रहे थे और रास्ते में निकलते मैं चली रही थी, मुझे ना कोई दिखा। एक्चुअली बहुत टाइम से मैं मिली नहीं थी उनसे। हेलमेट नहीं उतारूंगी मैं क्योंकि फिर दोबारा से पहनना पड़ेगा, क्योंकि 2 मिनट की मीटिंग के लिए क्या उतारो क्या पहनो। आप लोगों को देखना है, चलो आप लोगों से मिलवा देती हूँ। अमित मिलवा दूँ, मिलवा देती हूँ। चलो देख, आप लोग भी मिलिए। ये देखो मेरे मामा मामा, इतने सारे बंदर मामा। हेलो, बोलो जय सियाराम, जय श्री राम। ये एमपी की लोकल मार्केट और ये एमपी का ट्रैफिक। बाप रे, इतने यहाँ पे इतने ज्यादा ब्रेकर बना रखे हैं ना, ब्रेकर हर एक क्या बोलते हैं, किलोमीटर भी बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा ब्रेकर। यहाँ पे तो भसड़ मचा रखी है, देखो ट्रक ने। लोकेशन पे आ गए हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, टाइम हो गया है, 2 बज गया है ना, 2 बज गया 2। होटल ढूंढते 1 घंटा क्या। एक्चुअली क्या होता है, जब अननोन सिटी में हम जाते हैं तो होटल ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग 1 घंटे से ना होटल ढूंढे जा रहे हैं, इतना होटल ढूंढे ना, बट वही ओयो रूम ज़्यादा मिल रहे थे हम लोगों को। इसके लिए फाइनली हम लोग को ये होटल मिला है। ये है हमारा आज का ठिकाना, हमारा होटल, जो कि मिला बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बट फाइनली मिल गया। वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट कितना 11 घंटे चल के हमारा समझ सकते हो क्या रह गया है, बहुत गंदा वाला रह गया है मेरा और अमित का। चलने लायक और बैठने लायक तो हम बचे ही नहीं हैं। बैठने लायक बिल्कुल नहीं बचे, चलने लायक थोड़ा बहुत तो है।
यहाँ से एंटर होते हैं इस प्यारे से होटल में। अमित को देखो, इसको बहुत जल्दी है, थक गया है ना बेचारा। वाओ नाइस वॉच, टाइम हो रहा है अमित 2:45। अमित को देखो, मेरी हालत बेकार, हालत बेकार नहीं बहुत बेकार है, बेकार ही बेकार है। नाइस व्यू, तो अभी हम लोग आ गए रूम में, आपको रूम दिखाते हैं। ये है गेट, गेट से एंटर होते ही आती है वॉशरूम, इसको क्या देखना बट ये मेन है। एंड ये है टीवी, जो कि हम कहीं पर भी होटल में टीवी नहीं देखते, हम गोवा में भी गए उधर भी टीवी नहीं देखी, ये मुझे बहुत मस्त लगा। चाबी टांगने वाला, ये इतने सारे सोफे वोफे जो कि हमारे काम के नहीं है। ये है पेंटिंग, अमित गिरता हुआ लुढ़कता हुआ चक्कर खाते हुए, और ये हमारा बेड, और ये एसी जो कि आते आते हमने चालू कर दी। सो अमित क्या बोलना चाहोगे? ये देखो मिरर जिसमें मैं दिखती हूँ, ये हालत है ना। पकौड़ी अपने पास, एक्चुअली हम लोग ना पकौड़ी इसके लिए लेकर आए क्योंकि पता नहीं रात में कुछ मिला कि नहीं मिला, वैसे भी 2 बज गया है, तो भाई सेफ साइड रहना चाहिए। पेड़े पकौड़ी वकौड़ी सब कुछ लेकर आए हम लोग। मेयर यार अच्छा है, अमित लेके चले क्या ये घर पे? एंड फाइनल लुक दिखाते हैं, ये है भाई बहुत महंगा यार। मेरे को ना ये उज्जैन और क्या है ये देखो, खाने के लिए रूम में एंटर नहीं हो पाया खाने के लिए पहले। एंड हाँ, मैं क्या बोल रही थी आप लोगों से भूल गई, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती कि उज्जैन और इंदौर में होटल इतने महंगे क्यों है भाई? इतने तो गोवा में भी महंगा नहीं है यार। गोवा में हम लोग इतने अच्छे होटल में रुके, वो भी बजट में था हमारा, है ना अमित? इंदौर और उज्जैन में कितने महंगे। और पता है सबसे बड़ी बात, बाहर से एकदम अच्छी खासी डेकोरेशन, अंदर जाके क्या था, ओयो रूम इतना गंदा स्मेल आ रहा था। महंगा चलेगा भाई, ओयो रूम में नहीं रुकना। बोलते हैं आप लोगों को, नींद इसके लिए, हाँ वीडियो एडिटिंग करना है, नींद इसके लिए आ रही है क्योंकि 3 बज गया। सो गाइस, नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि हम क्यों उज्जैन आए हुए हैं। आप फाइनली आपको बता दें कि हम उज्जैन में हैं, वो फ्रो में निकल गया, बताना नहीं था आप लोगों को बट कोई बात नहीं, आपको मालूम पड़ेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि हम क्यों उज्जैन आए हुए हैं। हमारा कुछ काम है इसके लिए, अभी नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में आप वेट करना हमारे नेक्स्ट व्लॉग। अभी के लिए टाटा बाय, गुड नाइट, गुड नाइट समक है द नेक्स्ट डे। तो वैसे एक बात बताना चाहता हूँ, जिससे मेरा दिमाग तो ऑलरेडी कल से बहुत ख़राब है बट मैंने ब्लॉग में नहीं लिया क्योंकि थोड़ा हमें फटफट निकलना, तो आपको दिखा तो ये दिख जाता हूँ कि कल हम सागर एक जगह पे रुके थे एमपी में, किसी ने, आप देख सकते हो मेरे बाइक की सीट जो है, हम एक्चुअली चाय पीने को रुके थे, ये देखिए पूरा फाड़, किसी ने ऐसा ये पूरा फाड़ दिया है, ये देखिए यार ये देखो, और ऊपर से किसी ने पूरा अंदर तक ये कर दिया है, अंदर तक यार, हाँ मैंने भी अभी देखा ये भाई। सभी मुझे बताओ ऐसा करके क्या मिलेगा कि कोई अगर ट्रैवल कर रहा है, कोई आपके यहाँ पे आ रहा है, आपके सिटी में आ रहा है, अब मैं यहीं पे कुछ, मैं कुछ यहाँ पे उल्टा सीधा बोल दूँ या फिर मैं कुछ गाली दे दूँ, गलत दे दूँ, अच्छा लगता है क्या? एंड मैं कल वीडियो बनाने वाला था लेकिन अभी क्या, वहाँ पे जिसने किया वो वहाँ पे बेशक होगा, उसका इंटेंशन अच्छा नहीं होगा, मेरे साथ लेडीज़ भी थी, मेरी वाइफ थी, तो मैंने वहाँ से चुपचाप निकलना ही, क्योंकि फालतू की बकवास भी कर रहे थे वो लोग, बट मेरे को आइडिया नहीं चला हम लोगों को कि वो ये वाली हरकत करेंगे। वहाँ पे कुछ लड़के थे जो कमेंट कर रहे थे, हम खाने को गए थे ना, तो हमारे गाड़ी का जो नंबर है वो MS04 देख के वो थोड़े नौटंकी कर रहे थे, बट मेरे साथ लेडीज होने के कारण मैंने इतना ज्यादा उस चीज को तवज्जो नहीं दिया।